नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, अतुल सर का जो ट्वीट था वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन देखिए इस समय की कुछ और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है BPSC की तरफ से, उसको देखेंगे। फिर देखिए दोस्तों, DLED की जो मेरिट लिस्ट है वो कल आने वाली है। OMR में नहीं भरना होगा विषय, एक और दोस्तों नई अपडेट आपके सामने। बिहार में आरक्षण का दायरा अब 75%, विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है। एक दोस्तों बड़ी खबर है, बड़ा कदम देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे आरक्षण की सीमा। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है बिहार से, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है ऐसा देखने को मिल जाए। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। हर साल अगस्त में आयोजित होगी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। ये दोस्तों एक और बढ़िया कुछ खबर है कि मतलब हर साल एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखें दूसरा चरण, शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 150,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आवेदन देखिए दोस्तों, एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी और देखिए हर साल करीब 7,000 वैकेंसी आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर साल एक बड़ी वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी आती रहेगी। ठीक है, एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखेंगे। पहले दोस्तों जो एक नोटिस जारी किया गया था BPSC की तरफ से, उसको हम आपके सामने रखते हैं। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या प्रकाशित किया गया था। ये दोस्तों बातें हैं, देखिए इसमें नोट की बात कौन कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए छूट की बात है, मध्य विद्यालय 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 के आधार मानकर दी होगी। 10 साल तक के दोस्तों छूट की बात यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। ठीक है, आपको क्या डालना है यहाँ पर देख लीजिए, प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर, ठीक है, एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। एक बात और दोस्तों यहाँ पर सामने आती है, जरा देखिए, BPSC शिक्षक की नौकरी गाँव की नौकरी है, गाँव में ही रहना और पढ़ाना होगा। अगर आप गांव में रहकर नहीं पढ़ा सकते तो नौकरी छोड़ दें, ऐसा KK पाठक जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, भैया नौकरी भी मिल रही है उसके बाद रहने वहने की दिक्कत। देखिए एक अच्छी सैलरी के साथ थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ आपको देखिए करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और देख सकते हैं अतुल सर ने क्या कहा था, प्रेजेंटली देयर इज नो प्लान टू अलाउ सीटेट या BEd अपीयरिंग कैंडिडेट इन TRE 2.0। ठीक है, इस बार दोस्तों इन्होंने, चलिए सीटेट ठीक है, अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया, लेकिन BEd अपेयरिंग छात्रों को या DLED अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने दिया था। ठीक है, इस बार दोस्तों देखिए हो क्या रहा ना कि सरकार इतना तेज काम कर रही है, पिछली बार लगभग 1,70,000 पद थे, इस बार दोस्तों तकरीबन 70,000 पद है। तो इनको पता है कि भैया 70,000 पद तो हम चुटकियों में भर देंगे, ये दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों देखते हैं, वर्तमान में TRE 2.0 में सीटेट या BEd देने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने की कोई योजना नहीं है, इसके बजाय हर साल अगस्त में TRE आयोजित करने की योजना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अतुल सर कह तो रहे हैं लेकिन हो सकता है अगर छात्र कोशिश करेंगे, जैसे लास्ट टाइम याद होगा आपको, पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग था, पेपर के कुछ दिन पहले ही नेगेटिव मार्किंग हटा लिया जाता है। ठीक है, अगर इन केस अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल जाता लास्ट तक, अभी तो देखिए फिलहाल मौका नहीं, ये जो बात सही है। ठीक है ना, आप किसी भी गलत फहमी में मत रहिए, अभी फिलहाल कोई भी बच्चा अपेयरिंग का है, अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम समय में अगर मौका दे दिया जाए तो फिर आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है कि जब अधिकांश बच्चे दबाव बनाते तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। पहले दोस्तों लास्ट वैकेंसी में आपने देखा कितने बदलाव हैं, पहले अदर स्टेट के बच्चों को मौका नहीं दिया गया, सबको लग रहा था मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट टाइम आते आते मौका दे दिया जाता है। तो ठीक है, आप लोग की तैयारी होनी चाहिए। सीटेट का जो पेपर है ना भाई, इनकी डेट इतनी खराब आ गई, 21 जनवरी को ये पेपर कराएंगे, बताइए, वो भी 2024 में।
सीटेट को ये चाहिए था कि भैया हर हालत में पेपर 7 से लेकर 10 दिसंबर तक भी करा देते हैं या उससे पहले करा देते हैं तो बेहतर था, लेकिन इतना ज़्यादा ये डिले कर दिया, उस वजह से बीपीएससी को लग रहा है कि अगर हम सीटेट का वेट करेंगे, सीटेट का रिजल्ट आएगा हमारा फरवरी तक, ठीक है, अगर हम फरवरी में रिजल्ट का वेट करेंगे तो नियुक्ति पत्र देने में लेट होगा। तो मतलब ऐसी भी सरकारें हैं देश में आज कि जो दोस्तों आपको जल्द से जल्द नौकरी देना चाहती है, तो उनको भी पता है दोस्तों कि ठीक ठाक 31,000 ही सीट इस बार है, 6 से 8 में 31,982 ही पद हैं, तो उनको पता है कितने बच्चे थे, उनको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अपेयरिंग से आते हैं वो बच्चे आज टेंशन में कि काश हमारा सीटेट या डीएलएड या बीएड का कोर्स कंप्लीट हो गया होता तो आज उनको मौका मिल जाता, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे आप ऐसी कोई लापरवाही नहीं करेंगे, इस बार दोस्तों आपको सीटेट का फॉर्म डालिए और पेपर 2 और पेपर 1, ठीक है, दोनों में दोस्तों आपको क्या करना है, 90 नंबर लाना है, 90 से कम का टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। अब जो बच्चा बिहार का है, देखिए आप 82 में पास भले हो जाएंगे बिहार, लेकिन मान लीजिए कभी आपको यूपी आकर नौकरी देना पड़ा, फॉर्म भरना पड़ा, तो यहाँ पर आपके लिए 90 हो जाएगा, ठीक है। सभी का जो आरक्षण चलता है उन्हीं के स्टेट में चलता है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है तो दोस्तों आपका जो आरक्षण है वो यूपी लेवल पर वर्क करेगा। अब बिहार की वैकेंसी आएगी तो वहाँ आप जनरल कैंडिडेट्स बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स को भाई कोई नुकसान नहीं होता, एक बात आपको बता दें, जो बच्चे जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको पास होने के 90 नंबर यूपी में भी चाहिए, बिहार में भी वही है, तो उन बच्चों का अधिकतर यहाँ पर सीटेट क्लियर है, ठीक है, उनको यहाँ पर एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किसी का फायदा किसी का नुकसान हो रहा है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, जरा इस अपडेट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वैकेंसी की बात को लेकर यहाँ पर क्या बात रखी जा रही है, अब हर साल अगस्त महीने में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया पर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि हर साल अगस्त में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि अपेयरिंग छात्रों को दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पर अब हर साल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अगस्त में होगी। बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने भी कहा कि हर साल शिक्षा विभाग शिक्षक नियुक्ति के लिए रिक्तियां भेजेगा, भेजी गई रिक्तियों के अनुसार बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बिहार में यार कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में इतने पद खाली हैं, बताइए यूपी में भी तो एक वैकेंसी आनी चाहिए ना, ठीक है, बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कम से कम कुछ नहीं तो 51,112 पदों पर ही पीआरटी वैकेंसी आ गई। लेकिन उसके लिए भी दोस्तों आप लोग का सीटेट या यूपी टेट कुछ ना कुछ क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत इसलिए होगी जब आपका टेट ही नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको जरा ध्यान देना। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 25 नवंबर यहाँ पर देख सकते हैं, गुरुवार तक दूसरे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लगभग 1,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 25 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है, यह तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, याद रखिएगा दोस्तों डेट आगे नहीं बढ़नी है, 10 तारीख तक हर हालत में 7 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है, 7, 8, 9, 10। इस बार दोस्तों आपका सिंगल पेपर होगा, 1 पेपर होगा, 150 नंबर। इस बार आपको बिहार में रहने की वाली भी कोई टेंशन नहीं कि जैसे लास्ट टाइम गया आप होटल लिए, आप जाइए सेम डे पेपर दीजिए, वापसी शाम को घर कर लीजिएगा, ठीक है। राज्य सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के बिंदुओं पर अपनी राय रखने वाले आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के डीन रहे प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी के अनुसार वर्तमान में प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल के करीब 7 से 10 हजार शिक्षक प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में हर साल कम से कम 7,000 शिक्षकों की भर्ती तो होगी ही, संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी छात्र शिक्षकों का अनुपात 30:1 एनईपी 2020 के मुताबिक नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में भैया वैकेंसी आएगी और वहां पर आरक्षण भी बढ़ गया है, अगर दोस्तों ऐसा आरक्षण उत्तर प्रदेश में होगा तो यहाँ पर भी ओबीसी एससी कैटेगरी के छात्रों का फायदा ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो, फिलहाल अपेयरिंग छात्र ध्यान बनाए रखिए, आपको हम पल पल की अपडेट देंगे, ठीक है, एक मौका बन सकता है, फिलहाल अभी मौका नहीं है ये बात भी क्लियर है, लेकिन मौका बन सकता है, अगर बनता है तो आपका फायदा है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।